हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक प्रॉब्लम आप भी फेस करते होंगे, जब आप कोई वीडियो लोड करते हैं और उसमें कोई म्यूजिक यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उस कॉपीराइट क्लेम को आप सेटल कर सकते हैं, चैलेंज करके उस कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो। चलो जी, मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे कॉपीराइट क्लेम को चैलेंज करके हटवा सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो से, उसका कोई वैलिड रीजन है तो। चलो जी, सीधा आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहीं पर आपको दिखाते हैं कैसे आप इस क्लेम को हटाएं। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन तो पे। फ्रेंड्स, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपने लॉगिन करना है सबसे पहले अपने यूट्यूब स्टूडियो में। ये यूट्यूब स्टूडियो, ये आपके कंटेंट लेफ्ट साइड आप देखेंगे। कंटेंट में आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उस पर देख पाएंगे कि मेरे को एक कॉपीराइट क्लेम मिला है इस वीडियो के ऊपर। चलो, अब कैसे इसको ख़त्म करना है, इसको हटाना है, मैं उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ इस वीडियो में। इस पर आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो सी डिटेल कि किस वजह से कॉपीराइट क्लेम आया है इस पर आप दबाएँ। तो द कंटेंट आई क्लेम ऑन योर वीडियो डज नॉट अफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। ये कॉपीराइट क्लेम है, स्ट्राइक नहीं है। तो ये नॉट अफेक्टेड, ये मेरी वीडियो पब्लिक है, इनएलिजिबल टू मोनेटाइज है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो से जो मुझे वॉच टाइम गेन हुआ है वो वॉच टाइम मेरा चैनल को मोनेटाइज करने में यूज नहीं होगा, ना ही इससे। अगर मेरा मोनेटाइज चैनल है या आपका चैनल मोनेटाइज है ऑलरेडी, तो इससे कोई भी कमाई का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो ये रहा कंटेंट यूज्ड, तो आपने ये वाला कंटेंट यूज़ किया है कि भाई जो आपका सॉन्ग है उसका ये कंटेंट है। क्लेम टाइप ऑडियो क्लेम, तो ये ऑडियो क्लेम है क्योंकि मैंने सॉन्ग यूज़ किया है। और इम्पैक्ट ऑन द वीडियो, वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज, इस वीडियो मोनेटाइज नहीं हो सकती। और ये कॉपीराइट ओनर पॉलिसी ये है, और किस एरिया में आपको ये क्लेम मिला है वो यहाँ पे करा हुआ है। देखो, मैंने एक अपने वीडियो ऑडियो में, इस वीडियो में एक ऑडियो सॉन्ग लगाया है, म्यूजिक लगाया है। देखो, इसको मैं प्ले भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कहाँ पे आपको किस वजह से कॉपीराइट क्लेम मिला है। तो देखो, ये दिखा रहा है 0 से 21 सेकेंड है, तो इस वजह से मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिला है इस ड्यूरेशन में जो म्यूजिक है। तो इसको कैसे आप हटा सकते हो इस कॉपीराइट क्लेम की, तो यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन, ये है कॉपीराइट ओनर जिसने मेरे को ये क्लेम दिया है, एंड्रूड फॉर ये करके 3 पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैक को म्यूजिक इस दिया। तो आप इस कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हैं, 3-4 ऑप्शन आपके पास इस कॉपीराइट क्लेम को हटाने के। तो इस पर ऑप्शन है ट्रिम आउट सेगमेंट, तो जितना एरिया है, जैसे मेरा 0 से 21 सेकेंड है, तो इस एरिया को मैं हटा दूँ, मतलब तो वीडियो में से इस पोर्शन को डिलीट कर दूँ। सेकेंडरी प्लेस सॉन्ग, तो इस पोर्शन में मैं इस सॉन्ग को रिप्लेस कर दूँ जो मैंने लगाया हुआ है, या फिर म्यूट सॉन्ग, या तो इस सॉन्ग को म्यूट कर दूँ, इस एरिया को। आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी, सॉन्ग बीच में बस म्यूट हो जाएगा, कुछ नहीं आवाज आएगा इस पोर्शन में, तो ये कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, इनके अलावा भी मुझे सॉन्ग भी रखना है और आप उस सॉन्ग का ओनरशिप रखते हैं, तब आप डिस्प्यूट यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते, चैलेंज कर सकते हैं इस कॉपीराइट क्लेम को। तो मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसको यूज़ करने का रीज़न है कि मैंने क्यों यूज़ किया, मेरे पास एक सुटेबल रीज़न है। इसलिए मैं इस चीज़ को, ना ही मैं इस सेगमेंट को हटा रहा हूँ, ना ही यहाँ सॉन्ग को रिप्लेस कर रहा हूँ, और ना ही मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, तो मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो 3 चाची बता रहा है कि आई ओन अ कॉपी, भाई आपने CD खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम है यूज़ करने का म्यूज़िक। अगर आपने जो म्यूज़िक यूज़ किया है उसकी कॉपी CD खरीदी है या कहीं से परचेज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो फ्री हो गया। तो दूसरा ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, छोटा यूट्यूबर हूँ मैं, तो उसकी वजह से भी ये कोई रीज़न नहीं है कि आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। या आप ही लिख के देते कि मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया है उसको ओनर को, तो उसको पैसा जाएगा, ये भी एक रीज़न नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, इनके अलावा भी मेरे पास कोई और रीज़न है। मैं सेलेक्ट करके, यहाँ चार स्टेप्स हैं, एलिजिबिलिटी कि भैया आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि डिस्प्यूट को चैलेंज करने के लिए, फिर इसके बाद रीज़न, फिर रिक्वायरमेंट, फिर रेशनल, ये है। तो इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें, बाकी पढ़ लें आप, इसमें बहुत सारी डिटेल है, मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बढ़ाना हो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ से फिर दिखा दिया कि इस एरिया में आपको जो कॉपीराइट क्लेम मिला है, और ये है ऑडियो क्लेम है, कॉपीराइट ओनर का नाम ये है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे रीज़न आपके पास 1, 2, 3, 4 रीज़न है कि सेलेक्ट द मेन रीज़न फॉर विच यू आर डिस्प्यूटिंग दिस क्लेम, क्यों आप इसको डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इस क्लेम को। तो ओरिजिनल कंटेंट, भाई आपका ओरिजिनल है ये, इसमें जो किसी गलती से आपको दे दिया उसको चैलेंज कर रहे हैं आप, इस ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस है, कोई रिटन परमिशन है ओनर से, या फिर कॉपीराइट
एक्सेप्शन सच एज फेयर यूज, आप कोई फेयर यूज के लिए इसको पढ़ लें, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी डिटेल आएगी कि क्या है, या पब्लिक डोमेन की भाई कोई वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को भाई कॉपीराइट क्लेम नहीं देना चाहिए, फ्री है ये पब्लिक, नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाई कॉपीराइट। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने ऑडियो लगाया है, म्यूजिक लगाया है, वो इस चीज़ को मीट कर रहा है कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था तो इसलिए मैंने यूज़ किया, तो मेरे को नहीं आना चाहिए था, मेरा ये क्लेम है। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। तो अब रिक्वायरमेंट, तो ये बता रहा है कि पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है, वर्क्स नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाई कॉपी राइट एंटर्ड इन टू द पब्लिक डोमेन मेकिंग दैम फ्री फॉर एनी वन टू यूज़, अ सॉन्ग इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड इट इन द पब्लिक और ऑन द रेडियो और ऑनलाइन। आपने सिंपल सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है यूज करने को, तो अगर कोई रीजन है, ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि पब्लिक डोमेन क्या है और वेन वाज द सॉन्ग रिकॉर्डेड अदर पब्लिक डोमेन, सारे रीजन है भाई, इनको आप पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके अलावा भी आपका जो जो आप चैलेंज कर रहे हैं वो जेन्युइन है, तो आप इस पे सिलेक्ट कर लें। द कंटेंट क्लेम इन माई वीडियो इज इन द पब्लिक डोमेन एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड बाई कॉपीराइट फॉर अनदर रीजन, वही कॉपीराइट के लिए नहीं है वो, तो आप सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दें। मेरे केस में ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जो ये ऑडियो यूज किया है, ये जिस एप्लीकेशन को मैं यूज करता हूँ उसमें फ्री मिलता है मेरे को, वो मेरी परचेज्ड एप्लीकेशन है, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन मेरे लिए परचेज्ड है वो, मतलब मैंने खरीदा हुआ उस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आके देखो, आगे आप, मैंने एलिजिबिलिटी दिखा दी, रीज़न दिखा दिया, रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई हाँ, जैसे आप चार ऑप्शन थे ना कि पब्लिक लाइसेंस है या ओरिजिनल कंटेंट है, सबका एक आगे बताएगा आपको, तो मैंने पब्लिक डोमेन वाला इसको यूज़ करके मैं आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे आप रीज़न दें कि आप अपना एक्सप्लेन करें कि भाई हाँ वाकई में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, पहले ही अपना कंटेंट या रीज़न बना लिया था कि मैंने रिक्वेस्ट की उनको, ये सारे मैंने अपना लिख लिया यहाँ पे, क्या किस वजह से, मैं रीज़न बता रहा हूँ अभी कि इस क्लेम को क्यों हटा दिया जाए। तो यहाँ से मैंने टाइप कर लिया और मैंने जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। 2000 वर्ड्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं अपना रीज़न। तो ये देखो, मैंने इसमें लिख दिया कि रिस्पेक्टेड कॉपीराइट ओनर एंड्रयू डजोइन का नाम था वो, तो उसमें लिख दिया कि मैंने ये जो वीडियो, ये म्यूजिक यूज़ किया है, ये एक पेड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से यूज़ किया है जो मैंने परचेज की हुई है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैंने क्रेडिट भी दे दिया है इस वीडियो का, ये लिखा हुआ है कि आई हैव गिवन क्रेडिट टू द म्यूज़िक ओनर आल्सो, दैट इज़ ये वाला जो म्यूज़िक का नाम है ये करके मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। इन द डिस्क्रिप्शन बोथ एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन टूवर्ड कॉपीराइट क्लेम, सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू रिमूव द कॉपीराइट क्लेम। तो मैंने इसमें आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस जो म्यूजिशियन है इसको क्रेडिट दिया है, डिस्क्रिप्शन में जरूर डालें आप कौन सा म्यूजिक यूज करें। तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपका रीज़न है, किस वजह से आप या रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको, आपकी जो यहाँ पे राइटिंग है वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हटा दें। तो ये मैंने अपना डाल के इसमें यहाँ पे, फिर ये तीन डायलॉग बॉक्स देता आपको कि माई वीडियो डज नॉट इन्फ्रिंज एनी, भाई कोई भी रूल को वायलेट नहीं कर रहा, आई अंडरस्टैंड दैट द क्लेमेंट विल बी एबल टू रिव्यू माई वीडियो एंड माई डिस्प्यूट रैशनल, जो मैंने किया वो उसको रिव्यू करेगा और इसको समझता, और मेरा अगर आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग फ्रोडेंट डिस्प्यूट मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ माई यूट्यूब चैनल अकाउंट, अगर मैंने झूठ लिखा है, अगर यहाँ पे कुछ ऊपर जो भी रीज़न दिया है अगर वो मेरा गलत निकलता है या झूठा लिखा है, तो मेरा ये यूट्यूब अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये सारा आपको चेक पोस्ट करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो इसमें मैं, तो इसके बाद आप यहाँ से नाम लिख के अपना, तो यहाँ से आप सबमिट कर दें, ये सबमिट हो जाएगा आपका। हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये देखो, डिस्प्यूट विल बी सेंड टू द क्लेमेंट फॉर रिव्यू, यू यूट्यूब डज नॉट रिव्यू कंटेंट आईडी डिस्प्यूट, द क्लेमेंट नाउ हैज 30 डेज टू रिव्यू योर डिस्प्यूट, वी विल सेंड यू एन ईमेल टू लेट यू नो द आउटकम क्लोज। तो अब आपका जो आपने क्लेम डाला है या चैलेंज किया है वो उनके पास चला गया है, ओनर के पास, डिस्प्यूट अंडर रिव्यू, देखो यहाँ से, और यहाँ पे इधर वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज डिस्प्यूट एक्सपायर्ड इन 30, अगर 30 दिन के अंदर वो ओनर जिनके पास क्लेम गया है, जो ये है, ये था ओनर थे ना, कॉपीराइट ओनर, इनके पास चला गया है,
जो भी मैंने रीजन लिखे हैं इनके पास रिव्यू होने के लिए गया। यूट्यूब दिखता है कि यूट्यूब डज नॉट रिव्यू योर कंटेंट राइट, तो यूट्यूब नहीं रिव्यू करता, ओनर के पास भेज देता है जिसने ये हमें चैलेंज भेजा है, तो वो रिव्यू करेंगे। अगर वो 30 दिन में या तो रिप्लाई करते हैं अगर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कि उनको लगता है कि ठीक है मैं कॉपीराइट क्लेम वापस लेता हूँ, तो आपका कॉपीराइट क्लेम यहाँ से हट जाएगा। अगर वो 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाता है। और देखोगे ये तो हो गया मेरा, तो यहाँ से मैं दोबारा से आपको इंटेंट में दिखा देता हूँ, ये आ गया देखो कॉपीराइट क्लेम। और इसमें जाएंगे ना आप, यहाँ पे मैंने देखो मैंने बोला था जैसा मैंने अपने अंदर लिखा है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में म्यूजिशियन को क्रेडिट दिया है, तो मैंने उसकी डिटेल डाल दी है, इसे म्यूजिक यूज्ड इन दिस वीडियो आर एज बिलो, तो ये मैंने उस म्यूजिशियन को क्रेडिट दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर डालें उसकी डिटेल, जो आपने म्यूजिक यूज किया है, क्या नाम है और कहाँ पे यूआरएल है, कहाँ से उठाया है म्यूजिक, तो ये आप डालेंगे तो आपका क्लेम एक जेन्युइन बनता है रिक्वेस्ट करने की भाई कॉपीराइट क्लेम हटा लें। तो अब ये देखें, अब देख रहा हूँ मैं इसमें क्या दिखाता है, देखो कॉपीराइट क्लेम अभी दिखा रहा है, इस पे डिटेल में जाएंगे तो अब क्या दिखाएगा, देखो डिस्प्यूट अंडर रिव्यू सबमिटेड ऑन 8 जुलाई, आज 8 जुलाई है मैंने जमा इसको सबमिट किया है, और डिस्प्यूट एक्सपायर इन 30 डेज, और अगर 30 दिन में ओनर ने जवाब नहीं दिया तो ये डिस्प्यूट एक्सपायर हो जाएगा 30 दिन के अंदर। और मैंने इससे पहले भी देखो इसमें लिखा हुआ है, वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज डिस्प्यूट एक्सपायर इन 30 डेज, व्यूइंग रिस्ट्रिक्शन और मोनेटाइजेशन एसोसिएटेड विद द डिस्प्यूट क्लेम आर सस्पेंडेड अंटिल डिस्प्यूट इज रिजॉल्वड, द कॉपीराइट ओनर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू योर डिस्प्यूट विद इन 30 दिन। तो 30 डेज में अगर उसने मेरे को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियोज में ये चैलेंज किया है और 90 मतलब कि 100% यही रहा है कि कोई रिप्लाई नहीं करता, जो ओनर है इस म्यूजिशियन म्यूजिक कंपनी के वो रिप्लाई नहीं करते, तो 30 दिन बाद ऑटोमेटिक ये आप मेरा क्लेम हट जाता है। पहले भी मैंने 2-3 बार किया है ऐसा, तो यहाँ से कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन हट के नन हो जाएगा। तो अभी भी आपको अंडर रिव्यू दिखाएगा डिस्प्यूट अंडर रिव्यू, तो बस तो ये था इस वीडियो में।